गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. हाई, आई एम राजीव कुमार. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू रिगार्डिंग द टॉपिक हैज बीन गिवन इन योर बुक एज ए ग्लॉसरीज. आज हम चर्चा करेंगे ग्लॉसरीज पे. जैसे में देखते हैं इन चैप्टर वन सिविक्स ऑल्सो द फर्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. जिसके कहने से ये क्लियर हो रहा है, जिसमें इसे हम डिफाइन करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उस प्रजातंत्रात्मक समाज के लिए. इट मीन्स दैट इसका मतलब यह होता है ऑल अडल्ट हु दोज हु आर 18 एंड अबव, या तो जो 18 साल पूरा कर चुके हैं या उससे ज़्यादा हैं, सिटीजन्स वे नागरिक हैव द राइट टू वोट, उन्हें अधिकार होता है मत देने का, वोट देने का, जिसके माध्यम से एंड दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपने प्रतिनिधियों को वो चुन सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल. जहाँ तक हम इस सामाजिकता की बात करते हैं, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे वो समाज में जिस रूप में हो, जिस लेवल में हो, जिस स्टेटस में हो, साथ साथ उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, इट्स ए डिजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है. वे समाज की जिस परिस्थितियों में हो, जैसे इकोनॉमिकल स्टेटस हो उनकी, बट इफ़ दे हैव कम्प्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स दे हैव ए राइट टू गिव द वोट, उन्हें अधिकार है वोट देने का. तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है. नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड, सो जाए डिग्निटी, जिसको बोलते हैं डिग्निटी, गरिमा, गौरव, मान सम्मान, जिसे हिंदी में कहते हैं. इसे हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ. यह सूचित करता है किसी भी, चाहे वो कोई, वन सेल्फ दैट मीन्स नॉट वन सेल्फ, वन सेल्फ, कोई एक व्यक्ति विशेष जिनकी अपनी सेल्फ थिंकिंग को दर्शाता है, थिंकिंग वन सेल्फ एंड अदर पर्सन्स एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, और उसमें दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट के बारे में, दैट मीन्स दूसरे के माध्यम से उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या वो उसे रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, चाहे वो जातीयता के आधार पर हो, चाहे उनके पोस्ट के आधार पर हो, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं. सपोज दैट आई एम गिविंग इन फ्रंट ऑफ यू वन एग्जाम्पल, दैट मीन्स रिक्शा पुलर, अशू साइन मेकर, एक बच्चा जो कि इन किताबों में दर्शाया गया है दीवार फिल्म की शूटिंग में, कि वो जूता पॉलिश कर रहा है, बट उसकी एक अपनी डिग्निटी है. उसके ऊपर पैसे, क्वाइंस, सिक्के जो फेंक कर दिए गए, उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ उसकी डिग्निटी वायलेटेड हो रही है, इस वजह से उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. मतलब जो जिस पोजीशन में है उसकी एक सेल्फ है, उसकी एक सेल्फ डिग्निटी है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक गौरव है जो टूटना नहीं चाहिए. तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में संविधान, दिस इज़ ए डॉक्यूमेंट, यह एक कागज, दैट मीन्स वो किताब, किताबों की प्रक्रिया, दैट लेज डाउन द बेसिक, जिसमें संबंधित है वो आधारित रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, और वो नियम कानून फॉर पीपल, लोगों के लिए, एंड द गवर्नमेंट, केवल नागरिकों के लिए नहीं, यहाँ तक कि जो उसे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे लेजिस्लेचर पार्ट्स जो लॉज को फॉर्म करते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वे भी एक नागरिक है इस स्वतंत्र भारत के, हम सब जैसे वे भी एक नागरिक है. द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के लिए और सरकार सभी के लिए इस देश में अनुसरण करना होता है, उसे हम संविधान कहते हैं. नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट वर्ड दैट इज़ गिवेन, सिविल राइट्स मूवमेंट. ये सिविल राइट्स मूवमेंट जो बात आती है, हमारे देश में जो आज़ादी के लिए युद्ध छिड़ा था, जो आंदोलन छिड़ा था, तो यहाँ अंग्रेजों का मूल मंत्र था हमारे यूनिटी को ब्रोक करना, यानी एकता को तोड़कर हमारे ऊपर शासन करना. और शुरू से आज तक कास्टिज्म, जिसको बोलते हैं जातीयता,
ये आज तक फैला हुआ है इस इंडियन डेमोक्रेसी में, वो आज तक लागू है। और इसके आधार पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस लीडर्स वोट लेने का प्रयास करते हैं, बट यहाँ जो दर्शाया जा रहा है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि रंग भेद रंगों के आधार पर अबोवमेंट दैट बिगेन, एक आंदोलन जो शुरू किया गया इन यूएसए इन 1950s 1950 के दशक में, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन, जिसमें अफ्रीकन और अमेरिकन, जो अफ्रीकी देश वाले अफ्रीकन एंड अमेरिका वाले अमेरिकन पीपल डिमांडेड, उनकी मांग थी इक्वल राइट्स, एक समान अधिकार लाया जाए एंड एन एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, और कलर रंग भेद को खत्म किया जाए। डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, वी विल डिस्कस अगेन इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।